पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस गार्डन पहुंचे और वहां पर मौजूद करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर उन्होंने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में इसके महत्व के बारे में बताया और कहा कि निरोग शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सभी 75 जिलों में 5 करोड़ से अधिक लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व को संदेश दिया। वहीं योग दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री के ऋणी हैं, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आज 200 देशों में योग मनाया जा रहा है। भारत को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। इस बार योग मानवता के लिए मनाया गया है। योग हमें अनुशासित होना सिखाता है। यूपी में 75,000 से अधिक जगहों पर योगा का कार्यक्रम किया जा रहा है। 5 करोड़ से अधिक लोग यूपी में योगा कर रहे हैं। सहारनपुर में भी योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में महिला और समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। फतेहपुर के जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं एम्बुलेंस जलने की सूचना पर लखनऊ से आई जांच टीम ने बताया कि एम्बुलेंस में आग संदिग्ध प्रतीत हो रही है। आग कैसे और किस वजह से लगी है इस पर अभी जानकारी नहीं मिली है। कानपुर देहात के सिकंदराबाद थाना के क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 2 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। संत कबीर नगर के कोतवाली थाने क्षेत्र के निकट स्थित सीओ ऑफिस में अज्ञात कारणों से स्कूटी में आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी में विभिन्न स्थानों पर अग्निपथ योजना के प्रदर्शन विरोध के दृष्टिगत एसएसपी झांसी की ओर से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का भ्रमण और निरीक्षण किया गया है। एसएसपी की ओर से निरीक्षण के दौरान बच्चों से वार्ता कर उन्हें समझाया गया है और किसी भी सूचना पर तत्काल संबंधित को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर की पुलिस प्रशासन ने छात्रों के मन में फैली अग्निपथ योजना के भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक अनोखा प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने सेना की भर्ती के लिए ट्रेनिंग ले रहे सभी छात्रों को जादूनाथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुलाकर पूर्व सैनिक अधिकारियों के बीच वार्ता करवाई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने छात्रों को संबोधित करते हुए अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया है। हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र में महिला ग्राम प्रधान ने दबंगयाई दिखाई है। ब्यूटी पार्लर में घुसकर पार्लर संचालिका और उसकी गर्भवती देवरानी के साथ मारपीट की है। वहीं पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में युवाओं ने स्टेडियम में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि सरकार बताए कि 4 साल बाद जिन 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा उनका मानक क्या होगा और किस आधार पर सरकार अग्निवीरों को परमानेंट करेगी। गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। योग दिवस के मौके पर बटालियन कमांडेंट पीके तिवारी, सभी पदाधिकारी और जवानों की तरफ से एक साथ योगाभ्यास किया गया। बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि एनडीआरएफ में योग और प्राणायाम एक नियमित दिनचर्या का भाग है। वहीं इसके अलावा सभी रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य जीवन के लिए शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग प्रदेश है जहां हरिद्वार और ऋषिकेश योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व को योग की प्रेरणा भारत से ही मिलती है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद योग और प्राणायाम का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें सुबह से ही योगाचार्य की ओर से केदारनाथ परिसर में देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर भगवान केदारनाथ के परिसर में योगाभ्यास किया गया और किस प्रकार से
मनुष्य दैनिक जीवन में स्वस्थ रहे और अन्य लोगों का भी स्वास्थ्य रखे। रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ के परिसर में आठवीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पालन मत्स्य पालन डॉक्टर संजीव कुमार बलियान की ओर से दीप प्रज्वलित कर योग दिवस का शुभारंभ किया गया। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे से गंगा के किनारे बह रही मंद मंद बयार में बीच काया को निरोगी रखने के लिए योग की अलग अलग क्रियाएं करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आज सुबह परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ योग किया है। ऋषिकेश ने योग नगरी के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। यहां विश्वभर से लोग अध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने पहुंचते हैं। यहां 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग भी अपनी योग क्रियाओं से अचंभित कर देते हैं। ऋषिकेश में करीब 450 योग प्रशिक्षण है और यहां बच्चों की जीवनचर्या का हिस्सा जिम नहीं बल्कि योग करता है। बाबा महादेव की योग में तमाम उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें योग गुरु कहा जाता है। एक छोटे से परिवार में जन्मे योग गुरु रामदेव आज योग के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं। वहीं आज योग दिवस पर योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में बच्चों और आम लोगों के साथ योगा किया। बाबा रामदेव की योग कलाएं एक बार फिर से लोगों को हैरान कर रही हैं। इस मौके पर योग गुरु ने कहा कि योग आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं है। ये आत्मा से साक्षात्कार करता है और सीधे तौर पर इंसान को शांति प्रदान करता है, और इसी कारण आदि युग से हमारे ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा में योग दिवस मनाया गया। विधानसभा अध्यक्षा वितु खंडूरी, सचिव मुकेश सिंघल समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। प्रकाश पंत भवन में योगाभ्यास किया गया। देहरादून के FRI में योग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर FRI के कर्मचारियों और अधिकारियों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में बच्चों ने भी योग का उत्साह देखा। बच्चों ने घर पर ही योग कर देश को योग करने का संदेश दिया। जहां एक छोटी सी बच्ची ने योग के गुरु मंत्र बताए, गिन्नी ने बताया कि योग करने से मन को शांति मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मेयर जोगेंद्र रौतेला ने सभी लोगों के साथ योग किया, जिसमें बुजुर्ग बच्चों के साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मसूरी के क्यारकुली गांव में योग दिवस मनाया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा, 2015 से योग दिवस को विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मिर्जापुर में विकासखंड हालिया क्षेत्र में हैंडपंप न होने की वजह से ग्रामीण कुएं का पानी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्रामीण कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर है। दूषित पानी पीने से ग्रामीण डायरिया जैसी महामारी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जौनपुर में ऐतिहासिक शाही किला में माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय श्रीमती अनुप्रिया पटेल की ओर से दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया गया। विश्व योग दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के मदरसों में जोर शोर से विश्व योग दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने प्रदेश के सभी मदरसों में योग दिवस मनाने के लिए आदेश जारी किए। मदरसों में मदरसा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह और मदरसा प्रबंधन के भी छात्रों के साथ योग मनाया। साथ ही प्रदेश के सभी मदरसों में योग करने की अपील भी की गई। आगरा के केंद्रीय कारागार में भी योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस को मनाने के लिए यहां पर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। सैकड़ों कैदियों ने यहां पर योगासन की तमाम क्रियाएं की। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे। योग दिवस के अवसर पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में एक कार ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच में जुटी। आजमगढ़ के तहबपुर
थाना क्षेत्र में पिकअप अनियंत्रित होकर सामने चारपाई पर बैठे लोगों से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में टाइगर के घर में घुसकर गाय और बछड़े को अपना निवाला बना लिया। टाइगर के लगातार हमलों को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम हाथी को लेकर आ गए और टाइगर को जंगल की तरफ भगा दिया। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन और सांसद कमलेश पासवान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। सैकड़ों स्कूल छात्र छात्राओं ने योगा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर योगा किया। गाजियाबाद में जगह जगह पर योग दिवस का आयोजन प्रशासन नेतृत्व में किया गया, जिसमें सभी ने योग किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल सहित डीएम एसएसपी ने भी योग किया। आगरा में अग्निपथ योजना आंदोलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार को जहां आगरा से गुजरने वाली 9 ट्रेनें निरस्त की गई थी, तो वहीं मंगलवार को 6 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। आगरा रेल डिवीजन से गुजरने वाली ट्रेनों के नष्ट होने के साथ साथ कई गाड़ियां भी लेट चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौन के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जल शक्ति रामकेश निषाद शामिल हुए, जहां उन्होंने मानवता और लंबे जीवन के लिए योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी कानपुर देहात पहुंची, जहां उन्होंने डीएम सीडीओ सहित जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग किया। बाराबंकी में शादी समारोह में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आकर दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जापुर नगर के महुआ महुवरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसको हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मिर्जापुर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा और मिर्जापुर जिला अधिकारी प्रवीण कुमार मड़ेहान, विधायक रमाशंकर सिंह पटेल और एमएलसी विनीत सिंह मौजूद रहे। बाराबंकी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मदरसों में योग दिवस मनाया गया। मदरसा अरबिया हनफी उप अलूम के शिक्षकों का कहना है कि यहां काफी सालों से योग दिवस मनाया जाता है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम नमो घाट पर आयोजित किया गया। नमो घाट पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सिंह भी उपस्थित रहे। औरैया में तेज रफ्तार रोडवेज बस अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में 26 यात्री घायल हो गए, जिन्हें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा के भरथना कोतवाली क्षेत्र में युवक का शव कुएं में पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच भी की। देवरिया में संस्कृत महाविद्यालय के पास एक छात्रा और उसके भाई को कुछ दबंगों ने जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।